मार्च 2015 में किया था अपनी नौकरी के साथ। मैं एक फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, उस नौकरी को मैंने क्विट करके फुल टाइम एसटीज करने का मन बनाया और आज जो है मैं एसटीज में क्राउन डायरेक्टर हूँ। और मैं सबसे पहले जो भी मैं आज हूँ, मेरे को जिन्होंने इस एसटीज में मेरा जन्म कराया था वो हमारे ग्रेट गुरु दिनेश शर्मा जी और प्रेम प्रकाश जी के लिए जोरदार ताली। क्योंकि इन्हीं के पक्ष में उसमें मैंने काम किया, जैसे बताते गए वैसे मैं करता गया और जो अचीवमेंट मैं जिसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया था वो नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों के अनुरूप काम करते हुए वो अचीवमेंट मुझे हुआ। जैसे कि सबसे पहले हर आदमी आज के टाइम में जितने भी नौकरी करने वाले हैं, क्या वो नौकरी करना पसंद करते हैं? मजबूरी कराती है। आज संडे लोगों की छुट्टी, कल मंडे को 6 रोटी 1 टिफिन 2 सब्जी लेके उनको भागना पड़ेगा, शाम को खाली करके ले जाना, सो भर के ले जाना। यही मेरी जिंदगी के 25-30 साल बीत गए थे। वो टिफिन से और बैग से मेरे को नफरत हो गई थी। रोज वही टिफिन, वही सब्जी, वही रोटी ले जाते मेरे 23-24 साल नौकरी में बीत गए। उस नौकरी को खत्म करने के लिए मैंने एक मन बनाया कि कैसे नौकरी से विदाई ले सके। तो दोस्तों, मैंने 2015 में नौकरी की क्विट करा और फुल टाइम बाई हाली हाथ इसको भगवान माना इस बिजनेस को, और इस बिजनेस को करता गया। उतार चढ़ाव अपने मानसिक जीवन में भी आते हैं, यस नो? अपने मानसिक जीवन में भी आता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई चीजें आते रहते हैं। मैंने उसको नजरअंदाज करते हुए मैं करता रहा। मैंने सिर्फ ये समझा कि मेरे गुरु के द्वारा ये बिजनेस में मेरे को दिया गया, अब ये बिजनेस किसका है? मेरा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं, वो सोचते हैं जब अपलायर मुझे फोन करेगा तब मैं काम करूंगा, या अपलायर मेरे को घर से उठा के ले जाएगा तब मैं काम करूंगा। ये सब बिल्कुल मत करना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों के खिलाफ है। यदि आप ये चाहते हो कि हाँ मैंने देश विदेश की यात्रा करनी है तो काम किसको करना पड़ेगा सर? देखो, यदि अच्छी कार में घूमना पड़ेगा किसको काम करना पड़ेगा? तो यही सेम मैंने भी किया। और अच्छे मकान में रहना तो किसको करना पड़ेगा? मेरे को करना पड़ेगा। यही काम मैंने भी किया। मैंने कोई नहीं देखा, मैंने देखा अपलायर आ रहे मीटिंग में नहीं आ रहे, डाउन लाइन वाला आ रहा है नहीं आ रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने उस पर सिद्धांतों के अनुरूप काम किया। और करते 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 दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले जो मेरा पे आउट था वो था 36 रुपए का। क्या था सर? 36। अब ये बताइए, नौकरी छोड़ के 2015 में 42,000 रुपए तनखा और घर वालों को दिखा रहा हूँ 36 रुपए का चेक, तो वहां पर क्या हुआ होगा सर? देखिए ना, अच्छी नौकरी छोड़ दी, मतलब कुर्सी तोड़ने के मेरे को 47,000-48,000 मिलते थे, शनिवार की छुट्टी और बाद में 36 रुपए का चेक दिखा रहा हूँ, क्या होगा? मगर नहीं, मुझे उनको पता नहीं था, घर वालों को, मुझे पता था 2-4 यदि हमारे लाइन में होता है तो यहाँ भी होता है। तो मैं करता गया, 36 का पहले पे आउट आया, उसके बाद धीरे 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 करके 36,000 का आया, फिर 46,000 का आया, फिर 55,000 का आया, टोटल मेरे जो पे आउट गया सर 1,27,000 का। कामयाबी क्या एक दिन में मिलती है? क्या बिल्कुल नहीं मिलती एक दिन में, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? कर्म करना पड़ता है। अब जो हमारे प्रेम सर कह रहे थे बाहर, आज मैं भी जाता हूँ कार लेके उनके घर में जाता हूँ ना, वो मेरे को ही मना कर देते हैं। उनको पता है ये आदमी साइकिल से आया था, आज से जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो आज भी उन्होंने अपने आंखों पर फेविकोल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? फेविकोल लगा रखा है। वो आज भी देखे, जो बंदे साइकिल से आता था वो बंदा आज कार से भी आने लगे, हमसे कह रहा करो करो, उसके बावजूद भी नहीं कर रहे। भगवान उनके ऊपर कितना मेहरबान नहीं है ये उनको पता है। समझ गए? नहीं समझ गए सर? ऐसा आपके जीवन में बहुत सारे लोग बाहर मिलेंगे, ठीक है ना? आपने बिल्कुल, यदि आप कोई बिजनेस को अच्छा अचीवमेंट करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं, ये मौका मिला है सर आपको। बाहर देखिए कॉकरोच की तरह लोग घूम रहे कि नहीं घूम रहे? यहाँ हम लोगों को ये मिला है, यहाँ लोग हमको भगवान ने छाट छाट के भेजा है, जो लोग हमें आए किसी का पावन नेटवर्क मार्केटिंग ओनली फॉर एसटीज। यदि आप आए हैं अपने सिद्धांतों को पूरा करना चाहते हैं, अपना देश का भला करना चाहते हैं, आज आप बताइए जितने भी लोग आप बैठे हैं, क्या आप गवर्नमेंट के, मतलब इतना गवर्नमेंट में जहाँ देश में रहती हो, क्या तुम्हारा कोई योगदान है? यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा है जिसकी तनख्वाह में टैक्स करता होगा? नहीं करता होगा टैक्स, समझ गए? यूज कर रहे हैं हम रोड, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं, स्कूल यूज कर रहे हैं, तो हमारा योगदान क्या है? आप यहाँ पर आते हैं, आपके द्वारा कई लोगों का चुनाव जलेगा, कई लोगों का हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करोगे, आपका जो है बिजनेस करोड़ों का जाएगा, जीएसटी कटेगा, हमारा देश का काम आएगा, हॉस्पिटल बनेंगे, होटल बनेंगे,
फौजियों को बनेंगे, पुल बनेंगे, मार्ग बनेंगे, तो आप एक बंदे के मतलब सोच से कितना देश का भला हो रहा है, ये आपने सोचा है कि नहीं सोचा है? तो ये हमने सोचा है कि हमारा जब तक हम धरती पे हैं, चाहे करे, चाहे कोई बोले यस, चाहे बोले नो, हम करते रहेंगे। जो करता है बेस्ट, नहीं करता है न्यास है। 145 करोड़ की जनसंख्या होने वाली है, ठीक है जी। आज हर गवर्नमेंट बोलती है कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आप अपना सब को बनिए। तो ये हम लोगों ने ये दाम भगवान ने दे रखा है, और कंपनी का प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। कंपनी बहुत कुछ देना चाहती है, लेने हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, ठीक है जी। आप यहाँ पर सब कुछ आप मिलेगा। देश देश की यात्रा कर चुके हैं सर, कार फंड से गाड़ी मिल चुकी है, हाउस फंड से मकान बना चुके, छोटे से कमरे में किराए में रहते थे, जो कि फोल्डिंग वाली सरपाए को जब कोई दो आदमी आता तो उसको उठा के एक किनारे में रखना पड़ता था, ठीक है जी। आज जो है क्या में इतने मतलब ये अलग 3 मंजिल खुल है, और जो है बिल्डिंग जो है 4-4 मंजिल के, दो मकान 4-4 मंजिल के हैं, किराए में भी दे रखा है और अपना भी है। गाड़ी से हम जाते हैं, एक साइकिल से बंदा चलने वाला बंदा यदि कार से जा रहा है तो ये अचीवमेंट है कि नहीं? हम उत्तराखंड के रहने वाले, हम तो ट्रेन से भी नहीं जाते सर, हम तो बस पकड़ते सीधा घर जाते हैं। हम तो यहाँ से देश देश की यात्रा कई बार करें, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, कुआलालंपुर, बांग्लादेश और थाईलैंड, इतने देश की यात्रा कर चुके हैं। चाहिए सर, यदि चाहिए आपको, आपको अचीवमेंट करने के लिए अपने बर्निंग डिजायर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बर्निंग डिजायर, सफलता की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, सफलता की भूख जो है आपके आंखों के अंदर होनी चाहिए। 100% आपको ऐसे कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।